सब्जियां बहुत सिंपल होती थी, यू कांट इमेजिन हाउ सिंपल इट टू टू। गुरु महाराज वन टू वन बात करते थे, पंजाबी में बात करते थे, हाँ को हाँ, यस को यस, नो को नो करके एक मिनट में डिस्पोज ऑफ कर देते थे। एक दिन मैं गुरु महाराज को दोबारा, एक अंकल आए ने थे, उन्होंने गुरु महाराज को प्रणाम किया तो गुरु महाराज ने कहा अंकल कैसे आए? वो कहने गुरु जी मैं यहां नजदीक ही रहता हूं और मैंने आपके बारे में बड़ा सुना है, मैं आपके दर्शन करने आया। संगत थोड़ी होती थी, 50-60-100 इस लेवल की संगत होती थी। गुरु महाराज सिंहासन पे बैठे थे, हम साइड पे बैठे हुए, अंकल यहाँ आए। तो 5 मिनट बाद गुरु जी कहने लगे अंकल आप दर्शन करने नहीं आए, ये आंटी है ना आपके साथ, इनको ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी, ये बीमारी है, एंड ही नेम दोज डिजीजेज इन मेडिकल टर्म्स, ये नहीं कि सर्दी है, ये है, वो है, एग्जैक्ट मेडिकल टर्म। वो अंकल आहिस्ता से कहते हैं हाँ गुरु जी, पिछले महीने आप साईं बाबा के होके आए हो? कहना हाँ गुरु जी। परसों आप कहां गए थे? बिल्ली मारान में एक मौलवी जी के पास। हाँ गुरु जी। हम सब हैरान। गुरु महाराज ने कहा अंकल आपका अभी टाइम नहीं हुआ, आप अभी टेस्टिंग कर रहे हो, आपका टाइम नहीं हुआ अभी, आप जाओ। एंड ही लेफ्ट दिस। तो इस तरीके से कई चीजें होती थी जिनको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। एक बार एक और अंकल आया, गुरु महाराज ने कहा क्या प्रॉब्लम है अंकल? सर मेरी वाइफ बड़ी बीमार रहती है। आप क्या काम करते हो? बोला जी मैं डॉक्टर हूं। कहां पर डॉक्टर हो? बत्रा हॉस्पिटल में। देन गुरु जी नेम कपल ऑफ डॉक्टर फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल, आपको मेरे बारे में फलाने 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 किस डॉक्टर ने बताया? तो मैं गुरु जी को दोबारा सा बड़ा हैरान था कि बत्रा हॉस्पिटल के इतने डॉक्टरों के नाम गुरु महाराज को कैसे पता? ये अंकल कहने लगे गुरु जी इन डॉक्टरों में से मुझे किसी ने नहीं बताया, एम्स में एक डॉक्टर शर्मा है जो मेरे बैचमेट है, वो यहां आते हैं, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। देन गुरु जी सर अच्छा एम्स में वो कल आए हुए थे फलाना 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 फलाने डॉक्टर। गुरु महाराज उनको कहने लगे अंकल ये क्या अस्पताल है? आप बत्रा हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, आपके बैचमेट एम्स में है, अपनी वाइफ को ना किसी अच्छी जगह ले जाओ और इलाज कराओ, चलो बैठो उधर ध्यान लगाओ। मैं बड़ा हैरान कि गुरु महाराज बहुत कम ऐसी बात करते, लेकिन जब आप दोबारे होते थे आपका ध्यान गुरु महाराज पे होता था, बातचीत पे कम होता था। आहिस्ता से मुझे कहने लगे जनु साहब थोड़े फौज में भी इतने बड़े डॉक्टर आएंगे। मैं क्या हाँ गुरु जी ये हमारा यहाँ पर आ रहा हॉस्पिटल है, मैं देखता हूँ कमांडेंट से लेकर सारे स्पेशलिस्ट यहाँ लाइन में शाम को खड़े होते हैं। बात खत्म होगी, 2 मिनट बाद कहते हैं जनरल साहब इतने बड़े लोग आंदे, किसी ने नौकरी चाहिए, किसी ने प्रमोशन चाहिए, किसी की बीमारी, किसी की बेटी की शादी, किसी का कुछ, किसी का कुछ, लेकिन असली चीज मांगन कोई नहीं आती। ऐसे ही सर हमारा ध्यान गुरु महाराज को दुआने की जरूरत था, हमें ना अकल आई ना हिम्मत आई कि ये पूछा जा सकता कि गुरु महाराज असली चीज क्या है। मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरु महाराज अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, संगत वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन हिज स्कीम ऑफ थिंग्स, और चाहे कोई बिलीवर था या नॉन बिलीवर था, मैं बड़े लोगों को लेके गया, ऐसे ऐसे लोगों को लेके गया जिन्होंने अगले दिन वर्चुअली मुझे पंजाबी में नहीं तो कम से कम अंग्रेजी में गालियां निकाली होगी कि तू कहां ले गया यार,
हम वहां 3 घंटे बैठे रहे, गुरु महाराज ने हमारी तरफ देखा नहीं, फलाना आया वो आगे चला गया, गुरु जी मेनका से बात कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। मैंने उनके हाथ जोड़ के माफ मांग ली, लेकिन उन लोगों को भी इन गुरु महाराज का फायदा होता है। अगर प्यारी साथ संगत ये फायदा ना होता तो आज वर्ल्ड ओवर गुरु महाराज की जगह जगह संगत ना होती। अगर फायदा ना होता तो पीपल एज वेरिड एज मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड बूटा सिंह एंड सिद्धू, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट काइंड, डिफरेंट बैकग्राउंड, बट एवरीवन गोज देयर। व्हाई? बिकॉज इसमें फायदा है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, गुरु महाराज के चरणों से जुड़े रहिए, उनका सिमरन करिए, उनका शुक्राना करिए, एंड लीव एवरीथिंग एल्स टू हिम। ही विल डू इट बेटर फॉर यू देन व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट बाय आस्किंग। और जिस किसी को भी ये रास्ता दिखा सकते हो वो रास्ता दिखाओ। मैंने, आपने, हम लोगों ने ये रास्ता किस तरीके से देखा है? वन वर्ल्ड कर्मयोग। कई बार सत्संग करते अंकल आंटी कहते थे, हम गुरु महाराज को 4 साल से जानते हैं, तो गुरु महाराज आज के कहते थे कि तू मुझे 4 साल से जानते हो ना, मैं तुम्हें 400 साल से जानता हूँ। तो गुरु महाराज संगत को बहुत प्यार करते थे, प्यार करते हैं, प्यार कर रहे हैं, और संगत की हमेशा हम भलाई करते थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। सिर्फ आप उनके चरणों में सरेंडर करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी।